नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक फ्यूज्ड हेटरोसाइक्लिक रिंग्स को पढ़ेंगे, जिससे हम जब भी मेडिसिनल कंपाउंड्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे हमें एक बेंजीन रिंग दिख रहा है और उसे जुड़ा हुआ ये अजोल रिंग, जिसे पायरोल भी बोला जाता है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग। तो एक बेंजीन और एक पायरोल, तो इससे क्या बनेगा? बेंज पायरोल। तो इस बेंज पायरोल को क्या बोला जाएगा? 2,3-बेंज पायरोल। अब ये 2,3-बेंज पायरोल कहाँ से हो गया? तो देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम पायरोल की बात करें तो इसका नंबरिंग कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। ये सिर्फ पायरोल की नंबरिंग है, तो इसका ये 1, 2 और 3 जो ये बॉन्ड है ना, वो बेंजीन रिंग से अटैच है। तो इसीलिए ये क्या होगा? 2,3-बेंज पायरोल। और इसे सिंपली क्या बोला जाता है? इंडोल। ज़्यादातर के इंडोल ही यूज़ होता है, तो आपने इसे इंडोल ही बोलना है। और ये क्या होगा? बेंज और पायरोल का कॉम्बिनेशन, यानी बेंज पायरोल। और इसकी नंबरिंग भी देखो कैसे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ये नंबरिंग के रूल्स भी हम कोई वीडियो में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये इंडोल का ही स्ट्रक्चर बना है, लेकिन नाइट्रोजन की पोजीशन को चेंज कर दिया है ना। तो अभी ये सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गया है इसमें, तो ये भी तो बेंज और ये सारा हमारा पायरोल होगा अजोल, तो बेंज पायरोल ही है। पर इसमें देखो ये 3,4-बेंज पायरोल होगा, है ना। इसको अगर हम 1 नंबर देंगे, सिर्फ पायरोल की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये 3, 4 वाला बॉन्ड जो है वो बेंजीन से अटैच है। तो इसलिए ये क्या होगा? 3,4-बेंज पायरोल, यानी इसका नाम क्या होगा? आइसो इंडोल। नाइट्रोजन की पोजीशन तो चेंज हो गई ना इसमें, तो ये क्या होगा? आइसो इंडोल, है ना। और अगर ये वाला हम देखें तो इसमें क्या था? 2,3-बेंज पायरोल था, तो ये इंडोल बना, ये 3,4-बेंज पायरोल, ये आइसो इंडोल बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, ये इंडोल का ही अनादर स्ट्रक्चर होगा इंडोल टाइप में। तो देखो इसमें इंडोल तो दिख रहा है ना, लेकिन ये इंडोल वाला नाइट्रोजन कहाँ आ गया है? देखो, ये बेंजीन रिंग और ये पायरोल रिंग के बीच में, तो ये वाला देखो पिरिमिडिन भी है इसमें, सॉरी पिरिडिन है और एक इंडोल, सॉरी पायरोल है ना। यहाँ पे लिखे हम, इसमें एक पिरिडिन भी दिख रहा है आप लोगों को और दिख रहा है पायरोल। एक ही नाइट्रोजन से ये दोनों रिंग बने हैं, ये वाला पिरिडिन होगा, ये वाला पायरोल होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? इंडोलिजीन बोलना है, इंडोलिजीन। इस टाइप की इसकी नंबरिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 8A बोला जाता है। देखो, 8 के बाद में जो आता है ना, उसे 8A बोलना है। नेक्स्ट बोले यहाँ पे हम थोड़ा अभी पिरिडीन के जो भी बेंजीन कॉम्बिनेशन फ्यूज रिंग बनाता है ये पिरिडीन बेंजीन के साथ, उसके साथ में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें तो बेसिकली क्या होगा? बेंज और ये पिरिडीन जब कंबाइन होंगे तो क्विनोलिन बनेगा, या तो आइसो क्विनोलिन बनेगा। तो आपने ये नैफ्थैलिन को भी यहाँ पे पढ़ लेना जरूरी है। नैफ्थैलिन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग का कॉम्बिनेशन। इसका नंबरिंग कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9, और ये बचा 10। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर पे आधार पे हम क्विनोलिन और आइसो क्विनोलिन को देख ले। तो ये देखो बेंजीन और ये पिरिडीन का कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, और यहाँ पे ये 4 के बाद 4A आएगा। तो इसमें नाइट्रोजन को 1 पोजीशन है, तो इसलिए ये क्या होगा? 1-अज़ा-नैफ्थैलीन, है ना। 1 पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या बोलना है? अज़ा, और ये स्ट्रक्चर नैफ्थैलीन जैसा है। तो 1 पोजीशन पे नैफ्थैलीन के इसमें क्या सब्सटीट्यूट किया है? नाइट्रोजन, कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाया है। तो ये क्या होगा? 1-अज़ा-नैफ्थैलीन। तो इसे और भी एक तरीके से नाम दिया जा सकता है। देखो, ये बेंजीन है और ये पिरिडिन है, तो बेंजो पिरिडिन बोलेंगे हम इसे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ
कि इसके ये बॉन्ड को अगर हम ए बोलेंगे, इसके बॉन्ड को बी बोलेंगे, ये सी होगा, ये डी होगा, ई होगा और ये एफ होगा। तो इसका ये जो बी बॉन्ड है ना, ये बेंजीन के साथ अटैच है, ये ए है और ये बी है, इसलिए ये क्या होगा, बेंजो बी पाइरिडीन होगा, और इसे बोला जाता है क्विनोलीन। ठीक है, क्विनोलीन, ये क्विनोलीन रिंग होगा। और ये सेकंड इसमें देख लीजिएगा, ये आइसोक्विनोलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन टू है, इसमें वन थी, इसमें टू है, और इसलिए इसे बोला जाता है टू अजा नेफ्थैलीन। नेफ्थैलीन के दो नंबर के कार्बन पर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट है, तो टू अजा नेफ्थैलीन होगा। और इसका दूसरा नाम भी देखो, बेंजीन के साथ पिरिडीन रिंग अटैच है, तो इसे बेंजो पिरिडीन भी बोला जाएगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड अटैच है, इसे ए बॉन्ड बोलेंगे, ये बी और ये सी, तो सी वाला बॉन्ड बेंजीन के साथ अटैच है, तो इसलिए बेंजो सी पाइरिडीन बोलेंगे इसे। और इसका नाम क्या होगा, आइसोक्विनोलीन, है ना, ये मॉर्फिन में प्रेजेंट था, आइसोक्विनोलीन। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मॉर्फिन जो पढ़ा वो क्या है, आइसोक्विनोलीन अल्कलॉइड है ना, तो वो वाला स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी फ्यूज्ड रिंग को, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक बार हो गए ना तो फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर काफ़ी आसानी होती है वो पढ़ने में, नहीं तो ऐसे ही वो हार्ड लगने लगते हैं। इसमें देखो, ये दो बेंजीन रिंग है और बीच में बना है ये पायरोल रिंग, तो ये क्या होगा, दो दो बेंजीन यानी डायबेंज बोलेंगे और ये पायरोल, तो डायबेंजो पायरोल होगा ये। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, देखो सिंपली इसका नाम है कार्बियाजोल। जब भी कार्बियाजोल क्या बात होगा तो आपको डायबेंजो पायरोल याद आना होगा, है ना, दो बेंजीन प्लस एक पायरोल रिंग का कॉम्बिनेशन है ये। नेक्स्ट मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे देखो बीच में फ्यूरान रिंग बना है और बाजू में दो बेंजीन रिंग बने हैं, तो ये क्या होगा, डायबेंजो फ्यूरान। इसका नंबरिंग देख लीजिएगा साथ साथ में, और नंबरिंग के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि नंबरिंग किस तरह होनी चाहिए ये फ्यूज रिंग के लिए, सभी का नंबरिंग अलग अलग होता है ना। तो ये इसमें देखिए, ये जो बना है ऑक्सीजन कंटेनिंग सिक्स मेंबर रिंग, तो इसे क्या बोलना है, पायरन, और ये बेंजीन, तो इसमें क्या हुआ, नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टू पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है, इसलिए टू हाइड्रो क्रोमीन बोलना है इसे। ये पायरन और बेंजीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रोमीन, है ना, तो ये भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में काम आता है, क्रोमीन से भी बहुत स्ट्रक्चर बनते हैं। और पूछा जाता है कि बेसिक रिंग कौन सा है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमीन कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये भी हम देखेंगे अच्छे से विस्तृत तौर पर। तो यहाँ पे देखो फिर से पायरन रिंग आया है और दो बेंजीन रिंग अटैच है, दो बेंजीन और एक पायरन, ये भी हमारा काफ़ी जाना माना कंपाउंड है, ये जांतीन होगा। ये रिंग को क्या बोलेंगे, जांतीन, ये काफ़ी फेमस रिंग है ना, जांतीन, ये क्रोमीन भी बहुत फेमस है, तो इनके सारे कंपाउंड हमें याद करना है। इसका नंबरिंग भी देख लीजिएगा ताकि सब्स्टिट्यूट अगर आए तो आप आईयूपीएसी नेम से उसे बता सके। नेक्स्ट वाला है ये प्यूरीन, ये प्यूरीन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें न्यूक्लिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़ने मिलते हैं ना, प्यूरीन बेसेस जो होते हैं वो। इसमें क्या होगा, देखो पिरिमिडिन और इमिडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है, ये पिरिमिडिन हो गया, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग सिक्स मेंबर रिंग है ना, अल्टरनेट पोजिशन पे नाइट्रोजन है, तो ये पिरिमिडिन होगा और ये होगा इमिडाजोल। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे है फाइव मेंबर रिंग के अंदर, तो इसमें इमीड आता है, अल्टरनेट पोजीशन आएगा तो इमीड बोलना है, इमीड, ये पिरिमिडिन होगा और ये इमिडाजोल होगा, और इनका कॉम्बिनेशन से बनेगा ये प्यूरीन। ठीक है, तो ये जो भी फ्यूज रिंग है इससे बने बने जो भी कंपाउंड है बड़े बड़े, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर से मदद मिलेगी, आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।